आज युवाओं को लेकर कार्यक्रम था जो पहली बार वोट रहा है। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो हम युवा साथी मनाते हैं उस कार्यक्रम को लेकर आज युवा साथी पूरे हरियाणा भर से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। लेकिन क्या यह अकेली रैली रूबल शर्मा चला ले होगा? नहीं जी नहीं, ये सारा एक पूरे प्रदेश का संगठन का काम है। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे 22 युवा मोर्चा के 22 के 22 जिला अध्यक्ष और मेन बॉडी के जिला अध्यक्षों के आशीर्वाद से हमने इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाया। अब आगे की रणनीति क्या है रूबल भाई साहब की? हमारी रणनीति तो हमारी पार्टी के साथ, और मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो समय समय पर जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको किसी न किसी माध्यम से हमें जगाने का काम करती है, और कोई ना कोई एक महोत्सव के रूप में उनकी जयंती को मनाने का काम हमसे करवाती है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम हूं कुरुक्षेत्र भाजपा की रैली में, हमारे साथ है रूबल भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी। जगदीप भाई आपका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, आपकी पूरी टीम का भी। आज युवाओं को लेकर कार्यक्रम था जो पहली बार वोट रहा है। जी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो हम युवा साथी मनाते हैं उस कार्यक्रम को लेकर आज युवा साथी पूरे हरियाणा भर से कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। जी भाई साहब, मैं जब इस कार्यक्रम में देखने लग रहा था बहुत सारे युवा नेता भाजपा के गाड़ियां ले आने लग रहे थे, सब कुछ करने लग रहे थे, लेकिन क्या यह अकेली रैली रूबल शर्मा चला ले होगा? नहीं जी नहीं, ये सारा एक पूरे प्रदेश का संगठन का काम है। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे 22 युवा मोर्चा के 22 के 22 जिला अध्यक्ष और मेन बॉडी के जिला अध्यक्षों के आशीर्वाद से हमने इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपके ने भीड़ इकट्ठी कर रखी थी शानदार, आप में कमी नहीं है। मैंने देखा सुरेंद्र उड़ाना भी अपनी तरफ से गाड़ियाँ लेकर आया था, जो भिवानी के जिला अध्यक्ष है मुकेश गोड, तीनों ने तो लगा रखी थी ताकत, और आपका तो खैर एरिया है, आपने तो ताकत लगाई रखी थी, बाकी इतने बड़े स्तर पर हो नहीं पाया कार्यक्रम? नहीं, कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पे था, थोड़ा ठंड का भी इशू रहा, गाड़ियां धुंध की वजह से कुछ लेट हो गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पहुंचे हुए युवा साथियों को भी संबोधित करना था, इसलिए कार्यक्रम समय से ही चलता रहा। क्या इस कार्यक्रम में यूं तो नहीं भाई अकेला रूबल? नहीं नहीं, ये सारा कार्यक्रम पूरे हरियाणा के युवा साथियों की बदौलत ही ये कार्यक्रम सक्सेस हो पाया। अब आगे की रणनीति क्या है रूबल भाई साहब की? हमारी रणनीति तो हमारी पार्टी के साथ, और मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो समय समय पर जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको किसी न किसी माध्यम से हमें जगाने का काम करती है, और कोई ना कोई एक महोत्सव के रूप में उनकी जयंती को मनाने का काम हमसे करवाती है। तो आगे जो भी पार्टी हमारी ड्यूटी लगाएगी हम उस कार्य उस ही दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भाई देखो, यहाँ पे कार्यक्रम कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, लेकिन यह रैली अकेली रूबल शर्मा से नहीं चलेगी, लेकिन रूबल भाई साहब ने सच में इतने लोग इकट्ठे कर रखे थे। रूबल हैं, सुरेंद्र उड़ाना भाई है, एक मुकेश गोड, तीन व्यक्तियों ने तो यहाँ पे ताकत लगा रखी थी। सही कहूँ, बाकी सर्कल मेरा बहुत बड़ा है, सारे जाने भी हैं, लेकिन ताकत उन्हीं की दिख रही है। धन्यवाद।